the new video. आज मैं आपके लिए क्या हूँ? 100 साल पुराना बाजार जो साल 100 साल होता था। अब आप देखेंगे 100 साल पुराना बाजार। ये एक ड्रैगन बनाया हुआ है जो साल देखने में तो असली लग रहा है। और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो साल पुराना बाजार देखने आए हुए हैं जो साल 200 साल पुराना है। अब हम फूड ढाबे की तरफ चलते हैं। यहाँ उन्होंने जूसेस रखे हुए हैं और यहाँ प्याज प्याज टमाटर रखे हुए हैं और यहाँ बंदू को भी रखी हुई है और यहाँ इनकी चीजें भी बहुत सारी बिकती हैं। ये सारा इनका खाना है। ये चिप्स है और यहाँ बहुत सारी स्पाइसी चीजें हैं। यहाँ उन्होंने बहुत सारे स्पाइसी खाने भी रखे हुए हैं। ये एक सालन है और ये इनका जार है और यहाँ ये अपना बारबेक्यू कर रहे हैं। गाइस यहाँ उन्होंने तरह तरह के बारबेक्यू रखे हुए हैं और आगे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कितना मजा आएगा इस वीडियो देखने में। यहाँ उन्होंने एक पिगी रखा हुआ जो हो रहा है। ये पिगी हलाल तो नहीं होता लेकिन हम फिर भी आपको दिखा देते हैं। आज मैं आपको लेके हूँ 100 साल पुराने दौर में जब लोग ऐसे खाना खाते थे और इस तरह की कपड़े पहनते थे। और मैंने भी कहा कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके अपने सब्सक्राइबर को ही दिखा दूँ कि यह पुराना टोल कैसा होता था। अब हम आपको और भी आगे लेके चलते हैं और आपको और मजे कराते हैं। आए चले अब हम और आगे जाएंगे। ये लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये मीठे पुराने टोल के मीठे समोसे हैं और वो आगे पुराने टोल में लोग इस तरह के खाने खाया करते थे। इनकी दुकान पे भी बहुत सारे रास्ते लगा हुआ है इसलिए कि लोगों का दिल है कि आप अपने पुराने जमाने के खाने खाएं। या ये वेजिटेबल की दुकान है जहाँ थोड़े से वेजिटेबल पड़े हैं और ये मीट स्वीट चीजों की दुकान है जहाँ उन्होंने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल केक रखे हुए हैं। इनकी दुकान पे भी काफी थोड़ा रास्ता है और इनकी दुकान भी बड़ी हुई है रास्ते। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये चीज की दुकान है या चीज और चीज ही लगे मिलेगी आपको। पुराने दौर में लोग चीज बहुत ज्यादा खाया करते थे और इस तरह की चीजें बहुत खाया करते थे। ये कीमा है जो उन्होंने पीसों के अंदर रखा हुआ है। और ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग है। सारी पेंटिंग यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है और यहाँ अगर आपका दिल है तो आप खुद भी यहाँ बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं। ये आगे थोड़ा सा गोल रखा हुआ है और यहाँ भी उन्होंने थोड़े से डायमंड गोल्ड और वगैरह वगैरह चीजें रखी हुई है। ये दुकान में चीजें बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे भी यहाँ की चीजें देख के मजा आया है। ये दुकान मुझे सब दुकानों से अच्छी लगी है क्योंकि दुकान में नया पत्थर पड़े हैं। ये यहाँ हाई क्वालिटी के जैम और हनी पड़े हुए हैं जो आपको हाई क्वालिटी के मिलेंगे। आगे ये उन्होंने चीज रखी हुई है। ये दो चीज रंग बिरंगी चीज है और यहाँ आपको तरह तरह के मसाले मिलेंगे। ब्लैक मसाला, ग्रीन मसाला, हर रंग का मसाला मिलेगा। रेड मसाला, ऑरेंज मसाला, हर तरह के जो आप कहेंगे आपको वो मसाला मिलेगा इस दुकान पे। बस
होलसेल का दुकान से हर मसाला हर मसाला, और ये आगे थोड़े से और आनी पड़े हैं। इस दुकान में बहुत सारी चीजें बनी हैं और आगे एक हम और मसाले आ जाते हैं। इसके अंदर भी तरह तरह के मसाले हैं और ये मसाले सारे अच्छे मसाले होते हैं, और ये मसाले भी इतने मिर्च वाले नहीं है, ये ब्लैक मसाले हैं सारे, इंटरनेशनल लेवल के मसाले हैं ये सारे। ये पूरी दुनिया में आपको कई इस तरह के मसाले नहीं मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये उन्होंने सारी कैंडीज वगैरह रखी हुई है जो सीर बहुत लंबी लंबी है, और यहाँ इन्होंने ये छोटी छोटी कैंडीज रखी हुई है जो भी देखने में ब्यूटीफुल लग रही है, और ये भी यहाँ छोटी छोटी कैंडीज है। यहाँ सारी कैंडीज हर फ्लेवर में मिलेंगी हमें। यहाँ आपको चेरी फ्लेवर मिलेगा, एप्पल फ्लेवर मिलेगा, हर फ्लेवर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी भी फ्लेवर मिलेगा। यहाँ आप एक दफा अच्छी तरह ये सारे फ्लेवर देख लें कैंडीज के। अब हम आगे जाते हैं। ये एक दुकान है जहाँ ये डोनट बनाते हैं, पुराने दौर के डोनट इस तरह होते थे। आप एक दफा अच्छी तरह देख लें। ये दुकान भी सारी मीठी चीजों की और नमकीन चीजों की है। इस दुकान में बहुत सारे रस है, इसलिए ये दुकान ज्यादा चलती है लगता है। यहाँ सारे मरोकिन खाने हैं, और मरोकी की दुकानों में बहुत सारे लोग आके खाने खाते हैं। ये उन्होंने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्लास रखे हुए हैं जो देखने में अच्छे लग रहे और राजा के लग रहे हैं। ये उन्होंने स्टेज बनाया भी लगता है यहाँ इनका राजा बैठा होगा। ये भी देखने में बहुत अच्छा है। अब हम आपको एक दफा ये स्टॉल दिखा देते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले खाने का आदेश देंगी कि आप आना, आपका खाना खाऊंगा और अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। Don't forget like and subscribe my channel Visit with Hadeep. Go like and subscribe karna na bhule. Okay guys, bye. Ab hum is video ko yahan khatam karte hain.